नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोनी केपलर और मैं अपने चैनल हेल्पिंग हैंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों आज हम लोग जानेंगे पावर ऑफ विजुलाइजेशन, कैसे कोई इंसान अपने विजुलाइजेशन के पावर को यूज करके वो अपने लाइफ में सफल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई नया ट्रिक नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन जमाने से हमारे एंशियंट विजडम है कि कैसे विजुलाइजेशन के पावर को यूज करके हम अपने लाइफ को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। महान से महान वैज्ञानिकों ने इस शक्ति का प्रयोग किया है। हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा कि जो बच्चा को अगर स्मार्ट बनना है तो वो प्रयोग की कहानी सुने, क्योंकि वो जानते थे कि विजुलाइजेशन के पावर में कितना पावर है। किसी भी इमेज का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर जिस चीज़ का भी इमेज अगर हम अपने ब्रेन में बनाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसीलिए दोस्तों हमारे पूर्वजों ने हमेशा सच बोलने सिखाया और पॉजिटिव बातें बोलने सिखाई, ताकि हमारे माइंड में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक बात ही विचार आए और उसके पॉजिटिव इमेज ही बने। तो अगर हम लोग अपने पॉजिटिव वाइब को प्रयोग करें, सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें, और जितना ज़्यादा अपने अपने आप अपने लाइफ को बेहतर विजुलाइज कीजिएगा, वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सच होती चली जाएगी। जो स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ाई करता है और वो विजुलाइज करता है अपने करियर को कि मैं मुझे बड़ा होकर ये बनना है, तो वो अंततः वो गोल को अचीव कर ही लेता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का विजुलाइजेशन करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड की शक्ति उसको सच करने में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका क्रिएटिव विजुलाइजेशन होगा, आप उतने ही बेहतर अपने जीवन में होंगे। विजुलाइजेशन का शक्ति का असीम पावर है। जितना ज़्यादा आप अपने अपने आप को बेहतर अपने करियर के बारे में विजुलाइज कीजिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में वो करना है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, जितना ज़्यादा आपका विजुलाइजेशन क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आपको ब्रह्मांड आपका हेल्प करेगा, आपका ईश्वर आपको हेल्प करेंगे और आपको वहाँ तक, आपके टारगेट तक पहुँचा ही देंगे। लोग कहते हैं ना कि जिस इंसान को जो चाहिए उसको अंततः फाइनल उसके लाइफ में वो चीज़ मिल ही जाता है। अगर किसी को नहीं मिलता है तो मैं तो बोलता हूँ कि उसके विजुलाइजेशन के टेक्निक में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। विजुलाइजेशन हमेशा रात में सोते वक्त करना चाहिए, जब इंसान का ब्रेन अल्फा माइंड में हो। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन का भी बहुत स्टेट होता है, अल्फा बीटा गामा थीटा। तो जब ब्रेन अल्फा स्टेट में हो, अल्फा स्टेट में फिर हम लोग कैसे लाएंगे, कहीं पे भी आप टेक लगाकर रिलैक्स हो जाइए और 3 बार डीप ब्रीदिंग लीजिए। 3 बार डीप ब्रीदिंग लेने के बाद आप माइंड में विजुलाइज कीजिए अपने बेहतर करियर के बारे में, बेहतर स्वास्थ्य के बारे में, बेहतर रिलेशन के बारे में। जो रिलेशन ख़राब हो गया है, अगर आप उसको बेहतर विजुलाइज कर पाते हैं तो वो रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब है और आप अपने आप को बेहतर विजुलाइज करने में सक्षम है, तो धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप कहीं पे होटल पे जाते हो, कुछ खाते हो, तो जो सेवाएं आपको दी जाती है, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कितना बेहतर सेवा मुहैया कराया जा रहा है, कितना बेहतर सेवा आपको प्रोवाइड की जा रही है, ना कि इस बात पर कि हम कितना बिल खर्चा हो रहा है, कितना पैसा खर्चा हो रहा है। तो ज़िंदगी का नज़रिया अगर आपका सकारात्मक है तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा। अगर आप खर्च की तरफ ज़्यादा आप फोकस हैं तो आपके जीवन में खर्च ही बढ़ेंगे। तो खर्च शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके बदले में हम लोग यूज करते हैं सर्कुलेट। वी सर्कुलेट मनी, वी डोंट स्पेंड मनी, बिकॉज वी इफ़ यू सर्कुलेट मनी देन इट विल कम बैक टू यू समवे। तो अगर आप कोई चीज़ को अपने मनी को, पैसे को सर्कुलेट करते हैं तो वो आपके पास वापस आएगी, अगर आप स्पेंड करते हैं तो वो चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव अफर्मेशन करें, पॉजिटिव वाइब रेडिएट करें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने माइंड पर बेहतरीन जिंदगी का विजुलाइजेशन करें। फिर वो धीरे 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 आपके मन मस्तिष्क में ऐसा बैठ जाएगा कि आपको फिर
आपकी वो आदत हो जाएगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। हर इंसान का अपना आदत और स्वभाव होता है। जो लोग सकारात्मक और पॉजिटिव होते हैं उनके जीवन में हर एक्शन सकारात्मक और पॉजिटिव होता है। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं तो उनका स्वभाव वो बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हमें अच्छी आदत और अच्छी सोच का लत लगाना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में हम जो कुछ भी अच्छे लोग, अच्छे सिचुएशन और अच्छी घटनाएं आकर्षित हो। तो कोई भी चित्रकार अगर सबसे पहले उसके माइंड में विजुलाइज करता है पिक्चर को, फिर उसको कैनवस पे वो उतारता है। कोई भी एक्टर, कोई भी डांसर, कोई भी सिंगर पहले वो विजुलाइज करता है अपने आप को स्टेज पे कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, इसके बाद वो रियल होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ अपने कैनवस में कैसे अपने लाइफ को देखते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर विजुलाइज कीजिएगा, आपका ज़िंदगी उतना ही ज़्यादा बेहतर और हेल्दी होगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो पावर ऑफ विजुलाइजेशन पर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर, कि कैसे सकारात्मक सोच, सकारात्मक वाइब्रेशन, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक लोगों को जीवन में अट्रैक्ट करता है ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखने के लिए मेरा वीडियो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।